हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसके स्टार्टिंग में थोड़े बग्स के बारे में बताया था जो ये अपडेट में आए थे 0.12 के। तो गाइस, उसमें से मैंने थोड़े तो बोल के बताए थे आपको, जिसमें से एक तो पैराशूट का था जो मोस्टली पबजी ने अभी फिक्स कर दिया है, अभी उसका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पर मैंने आपको और भी एक दो बताए थे, जो ऑटो फायरिंग ग्लिच है वो तो लास्ट अपडेट से चल ही रहा है। फिर एक और जो मैंने आपको बताया था वो था व्हीकल का एंट्री एग्जिट का। तो गाइस, प्रॉब्लम ये हो रहा था, जब भी व्हीकल में एंट्री करते थे या एग्जिट करते थे तो वो थोड़ा टाइम ले रहा था एंट्री और एग्जिट करने। मतलब मेरे फ़ोन में तो एंट्री के टाइम कुछ 2-3 सेकंड लेता था और एग्जिट के टाइम कुछ 4-5 सेकंड ले रहा था। बाकी लोगों को थोड़ा कम होता रहेगा, मे बी 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन ये बग बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने सोचा अभी मुझे इस पे ट्रिक मतलब मिल गया ये सॉल्यूशन, तो मैं आपको भी बता दूं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बग था क्या, अगर आपको पता ना हो तो। तो पहले मैं एक गेम ज्वाइन करता हूँ और आपको ये व्हीकल का जो बग है ये बता देता हूँ, मतलब प्रॉब्लम हो क्या रहा था मेरे साथ, क्या हो रहा था मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलो पहले गेम में जाते हो और एक व्हीकल ढूंढ के है वो देखते हैं क्या बग था। तो गाइज, मैंने ये व्हीकल ढूंढने के लिए मिरामार मैप सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे रोड्स होते हैं तो व्हीकल मिलना इजी होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही जंप का ऑप्शन आएगा मैं यहाँ पे कोई रोड पे उतरता हूँ और कोई व्हीकल मिला और कि उसके पास जाके आपको बताता हूँ कि ये बग था क्या। तो अभी देखते हैं, ये मिरामार में इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे व्हीकल भी बहुत ईजीली मिल जाते हैं रोड पे। तो चलो हम व्हीकल ढूंढते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो मुझे एक बग्गी तो मिल गई है। तो देखो अभी मैं बग्गी के पास जाके आपको बताता हूँ एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ये देखो अभी मैं उसके नियर जाता हूँ और ये देखो अब मैं आपको बताता हूँ मैं ड्राइव पे क्लिक कब करूँगा। ठीक है, ये मैंने ड्राइव पे क्लिक किया। ठीक है, अभी देखो आप कितना टाइम ले रहा है ये एंट्री करने, और एंट्री तो भी ठीक है कुछ अराउंड 2 सेकेंड लिया रहेगा। अब मैं आपको एग्जिट का दिखाता हूँ। ये देखो मैं अभी रुक जाता हूँ और मैंने ये एग्जिट दबाया। तो गाइज आप देख रहे हो ना कितना, मतलब एग्जिट के लिए तो बहुत कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। मैं आपको एक और बार ये करके बताता हूँ। ये देखो जब मैं ड्राइव पे क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया, तो गाइज देखो कितना कुछ अराउंड 2 या 3 सेकंड लिया, और एग्जिट के टाइम देखो, ये देखो ये मैंने क्लिक किया। तो आप देख सकते हो ना, मतलब ये मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं तो एकदम इरिटेट ही हो गया हूँ, तो मुझे खेलने का भी मूड नहीं होता है। लेकिन अभी मुझे इसका सोल्यूशन मिला तो मैंने सोचा आपके आपके साथ ही, मतलब ये वीडियो में ही आपको मेरे फ़ोन में ये वाला ट्रिक करूँ और आपको भी बता दूँ, ताकि मतलब आपको भी हेल्प हो जाए अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो। तो अभी आपको ये बग तो पता चल गया है, तो चलो अब ये इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। तो मैं ये गेम एग्जिट कर देता हूँ और आपको पहले बता देता हूँ सोल्यूशन है क्या। तो गाइज मैंने गेम तो एग्जिट कर दिया है, अभी आपको करना क्या है वो मैच तो एग्जिट करना, मतलब मैच तो मैंने ज्वाइन किया था। आपको क्या करना है, आपका गेम क्लोज रहना चाहिए, ठीक है, रिसेंट में भी नहीं होना चाहिए। आपका ये गेम जो है ना आप उसको क्लोज कर दो और आप अपने फाइल मैनेजर में जाओ। तो आगे का मैं आपको फाइल मैनेजर में जाके ही बताता हूँ, तो मैं पहले अपना गेम क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज ये मैं अभी अपने फाइल मैनेजर में आ गया हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, आपका फाइल मैनेजर में आप स्टोरेज में जाओगे ना, जो भी आपका स्टोरेज है उसमें आपको जाना है एंड्रॉयड में। ठीक है, एंड्रॉयड में जाओ और उसमें आप डेटा में जाओ, और फिर डेटा में जाने के बाद आपको अपना टेंसेंट जो है ना, टेंसेंट का फोल्डर वो ढूंढना है। ये देख सकते हो आप com.tencent.ig, ये वाला ही होगा आपके अंदर भी। तो ये वाले पे क्लिक करना है, फिर आपको जाना है फाइल्स में। ठीक है, फाइल्स में जाने के बाद UE4 गेम ये जो है ना आपको इसमें जाना है, फिर उसमें शेडो ट्रैकर होगा, फिर वापस शेडो ट्रैकर में आपको शेडो ट्रैकर में जाना है और फिर सेव्ड में जाना है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन बराबर सुनो और देखो तो आपको समझ जाएगा। फिर वो सेव्ड में आपको जाने के बाद सेव गेम्स में जाना है, और फिर सेव गेम्स में जाओगे ना फिर आपको कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब फाइल्स हैं, इसमें आप जो भी ये जहाँ पे भी ऐसा लिखा होगा ना JSON.JSON, जैसे आप देख सकते हो ये लास्ट वाले में है, अगर आपने ये देखो .JSON लिखा है ना, तो ऐसे जो भी नाम के .JSON वाले फोल्डर ये फाइल्स है ना आपको उस पर क्लिक करना है और उनको डिलीट कर देना है। ठीक है, ये जो है देखो मेरे में ये है, फिर और ऐसे भी वाले डिलीट मत करना गाइस, सिर्फ JSON वाले करने हैं। देखो ये रहे, मतलब जो भी JSON वाले रहेंगे ना वो सब आपको निकाल देना। ठीक है, पहले आपको क्लियरली जो दिख रहे हैं वो निकाल दो, फिर अगर ना पढ़ने हो तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरे ये फर्स्ट थ्री जो है ये ऐसे भी वाले हैं, फोर्थ भी ऐसे भी है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, एट्थ भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, फिर ये वाला भी नाइन्थ भी ऐसे, टेंथ भी ऐसे भी है। अभी प्रॉब्लम ये लास्ट चार में। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको ये UIELM वाले है ना ये आपको दो दिखेंगे। ठीक है, उसमें से एक है ना JSON वाला रहेगा, एक ऐसे भी वाला रहेगा,
तो आप अगर ये मेरा लास्ट वाला देखोगे तो मोर में जाके आप डिटेल्स में जाओ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंड में ऐसे भी लिखा हुआ है, तो ये ऐसे भी वाला है, तो आपको ये JSOV वाला क्लिक करना है। और फिर ये जो स्टोर टैग न्यू डेटा ये है ना, स्टोर न्यू टैग डेटा, इसमें भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो कौन सा करना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये UI ELM वाले है ना, ELEM, इसमें एक ऐसे भी रहता है और एक JSON रहता है, ठीक है। तो आपको ये JSON वाला से क्लिक करना है, और ये जो स्टोर न्यू टैग डेटा है ना, ये मोस्टली दोनों JSON ही रहेगी, तो आपको दोनों पे क्लिक कर देना है और उसको भी डिलीट कर देना है, ठीक है। तो मोस्टली बेसिकली आपको करना क्या है, JSON वाले जो भी है ना आपको वो सब निकाल देना है। अभी आप देखोगे तो मेरे में सब ऐसे भी वाले ही बचे हुए हैं, तो अभी ये मैंने सब डिलीट कर दिए। अभी आपको करना क्या है, आप अपना गेम स्टार्ट करो और फिर देखो कि ये जो व्हीकल का जो प्रॉब्लम हो रहा है ये अभी भी हो रहा है कि नहीं। तो मैं अभी वापस गेम ऑन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरे साथ अभी हो रहा है कि नहीं, आप भी देख लो। तो गाइज अभी मैंने वापस अपना गेम ऑन कर दिया है, तो हम वापस ऐसे ही कोई मीरामार वाले गेम में जाते हैं और अब एक व्हीकल को ऑपरेट करके देखते हैं, मतलब अगर ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलो, तो गाइज मैंने वैसे ही एक और मीरामार गेम स्टार्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे एज पे उतर गया, मेरा प्लेन यहाँ से गया था, तो मुझे ये बग्गी मिल गया। तो गाइज देखो, अभी मैं वापस ये बग्गी पे जाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि अभी ये इशू हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो, ये मैंने ड्राइव पे क्लिक किया, ये मैं एंटर हो गया, ठीक है। ये अभी कुछ तो आप देख सकते हो, कुछ ज़्यादा लैग नहीं हो रहा है, अभी फटाफट हो रहा है। और सेम अगर मैं एग्जिट के साथ करता हूँ तो ये मैं रुका देता हूँ, ये मैंने एग्जिट पे क्लिक किया और ये हो गया। तो आप देख सकते हो गाइस, मतलब इफेक्ट तो हो रहा है ये ट्रिक का, ये सॉल्यूशन काम आ रहा है। मैं वापस आपको एक बार बताता हूँ, ये देखो, ये मैंने ड्राइव पे क्लिक किया, ये मैं बैठ गया, ये मैंने एग्जिट पे क्लिक किया, ये मैं बाहर आ गया। तो गाइस देख सकते हो आप, इफेक्ट हो रहा है। तो ये सॉल्यूशन मैंने एक्चुअली मैं दो फोन में खेलता हूँ, तो मैंने अपने दूसरे फोन में ये पहले अपने खुद के ऊपर ट्राई करके देखा, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब आपको ये प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से। तो मैंने पहले अपने खुद दूसरे फोन में ट्राई करके देखा तो ये वर्क कर रहा था, तो मैंने इसलिए ये फोन में भी ये सॉल्यूशन मतलब ये किया, ट्राई किया ट्रिक, और आप देख सकते हो इसमें भी ये वर्क कर रहा है। तो गाइज अभी प्रॉब्लम आप लोगों को डाउट होगा कि ये मतलब कुछ डैमेज तो नहीं होगा आपके गेम को या कुछ। तो गाइज देखो, मैंने ये कुछ मॉर्निंग में किया था और मैं फुल डे खेला हूँ पबजी, और मुझे तो कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं अपने गेम में, क्योंकि बाकी सब चीज़ एकदम स्मूथली सेम तरीके से चल रही थी। लेकिन ये जो इसका एक प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखो, ये जो फाइल्स है ना, ये मतलब हम खेलते हैं ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो आपका होगा क्या, थोड़े दिनों बाद या थोड़े टाइम बाद है ना वापस ये प्रॉब्लम आ सकती है व्हीकल की। तो आपको सेम चीज़ करना है, आपको वापस वही सब फोल्डर्स में जाना है जो मैंने बताया है, और वो फोल्डर में जाने के बाद वही वाली फाइल्स डिलीट कर देनी है, ठीक है। क्योंकि ये गेम है और ये ऑटोमेटिकली सेव होते रहता है, तो फाइल्स भी ऑटोमेटिकली रीजनरेट होती रहती है और वहाँ पे सेव हो जाती है। तो जैसे ही वो फाइल अगर वापस सेव हो गई, आपको चेक करते रहना है, अगर ये प्रॉब्लम वापस आएगी ना तो आप चेक करो फोल्डर में जाके, और अगर आपको वो फाइल जो वापस दिखे उधर तो उसको वापस डिलीट कर देना। तो गाइस ये सॉल्यूशन मुझे मिला तो मैंने सोचा आपको भी बता ही दूँ, और ये एकदम अच्छे से इफेक्ट वर्क भी कर रहा है। तो आप इसको ट्राई कर लो, अगर आपको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उस व्हीकल के बग से तो आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये ट्रिक का ट्राई कर लो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। पर गाइज एक चीज़ डेफिनेटली याद रखना कि जब आप ये ट्रिक करोगे ना तो आपका प्रॉब्लम एक ये होगा कि आपका जो लेआउट है ना वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा, तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप वो क्लियर करते हो तो आपका जो सेव्ड लेआउट रहता है एडिटेड, वो डिफ़ॉल्ट पे चले जाता है, तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर आप वो करोगे तो आपको डिफ़ॉल्ट लेआउट से खेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये होगी। नहीं तो आपको अपना लेआउट हमेशा याद रखना पड़ेगा और एडिट करना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम वो एक है। तो अभी आपको वो डिसाइड करना है कि आप डिफ़ॉल्ट लेआउट से खेल सकते हो या नहीं। अगर आप खेल सकते हो तो वो करो, नहीं तो आप ये ट्रिक मत करो। ओके तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ गया होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबा देना। मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ हेल्पिंग वीडियोज जैसे ही मुझे भी मिला मतलब सोल्यूशन मिल जाए मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो गाइज बस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।